हेलो एवरीवन, होप ऑल आर ग्रेट। कैसे आप सब लोग? सो आज मैं जा रही हूँ फॉर्म भरने, एक्चुअली फॉर्म फिलअप करने जॉब के अकॉर्डिंग। सो बहुत टाइम से ना मैं प्रिपरेशन तो ले रही हूँ, बट मेरी किस्मत ऐसी है ना, कभी भी मैं ना कंटिन्यू नहीं कर पाती स्टडी को। और बहुत बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, बोलने जाऊँगी तो सुबह से रात हो जाएंगे। सो आज मैं जा रही हूँ भैया के साथ। कुछ दिन से काफ़ी बारिश हो रही है तो मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं आज जा रही हूँ फॉर्म भरने भाई के साथ। भाई का जो बुलेट है, बुलेट राजा में तेल खत्म हो गया। एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे आज तक रिसेंटली पता चला कि जो बाइक होते हैं ना, पेट्रोल में चलते हैं। मुझे पहले ऐसा था, मैं सोचती थी कि डीजल में चलता है। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों जैसी थिंकिंग मेरी है। सो फाइनली मैं पहुँच गई थी, लेकिन जो कैफ़े थे ना, साइबर कैफ़े, वो बंद था। भाई साहब, भाई लोग नहीं थे। तो कुछ टाइम बाद वेट करने के बाद वो लोग आ गए, तो मैं वहाँ पे फॉर्म भर रही थी। और भाई, मेरे बड़े भाई वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। क्या हुआ ना, मैं कोई भी चीज़ करने जाती हूँ ना, कोई भी काम, जैसे कि कुछ भी करने जाती हूँ ना, बाधा आती ही है। जैसे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही। तो वही हो रहा था मेरे साथ, कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं मतलब परेशान हो रही थी, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? कोई भी काम करने जाती हूँ ना, एक बार, दो बार, नहीं, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद सॉल्व होता है वो चीज़। तो फाइनली फॉर्म भर लिया। भाई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो थोड़ा ना मतलब सब्र नहीं है ना, मर्द में सब्र कम होते, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। फिर चल पड़े हम दोनों भाई बहन मिलके। फिर सोच रहे थे कि दादी माँ के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि दादी माँ की तबीयत कुछ दिन से सही नहीं है। वैसे भी उम्र हो गई है, तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, दादी माँ के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो भाई से मैं पूछ रही थी कि क्या ले लूँ फ्रूट्स में, तो भैया ने कहा कि ना मौसमी नींबू ले लें, तो वही लिया मैंने। हमारे यहाँ ना मौसमी पर पीस 10 रुपीज़ है। तो आप लोगों की वहाँ कितना किलो है बताना। सो ऐसे ही देते हैं रेट, 10 रुपीज़ पर पीस है। और ले लिया। फिर क्या, घर आ गए हम दोनों भाई। मैं भाई से पूछ रही थी कौन देगा बिल, तो भाई कहते मेरे पास नहीं है, तू पे कर दे, फिर कभी मैं पे कर दूंगा। तो घर आ गई। घर आने के बाद मेरे जो नन्ने मुन्ने छोटे से बच्चे, मेरा प्याला बाबू है ना, मेरा भांजा, तो मेरे को आगे कह रहा था कि पीपी पीपी, मुझे मम्मी ने माला है, मुझे मम्मी ने माला है। तो मैंने कहा कहाँ पे मारा है बेटा? तो कह रहा है कि मेरे पूरे बॉडी पे माला है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी। बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बहुत ज़िद्दी है। कुछ बोलता है ना मुझे चाहिए, तो उसको लेकर ही रहना है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मेरी जो दादी माँ है ना, अब बच्चों की तरह उम्र हो गई, तो वो बच्चों जैसी हो गई है। मार्केट से आती हूँ ना, तो पूछते क्या लेकर आई है मेरे लिए। तो वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, तो मैंने कहा कि आपके लिए मौसम भी लेकर आई हूँ। तो फिर कट करके दिया, खाई दादी ने। चलो आपके लिए इतना ही, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आपकी सपोर्ट की, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।